एक बार फिर एक नाबालिग लड़की हवस का शिकार हो गई। दुकान पर शैम्पू लेने गई नाबालिग दलित बालिका को दुकानदार ने 5 घंटे तक बंधक बनाकर दुकान में दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने दुकान से लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना खोडारे के एक गांव निवासी 14 वर्षीय नाबालिग अनुसूचित जाति की बालिका गांव के ही एक दुकान पर शैम्पू लेने गई थी कि दुकानदार सियाराम ने बालिका को दुकान में अंदर बुलाकर उसे 5 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 5 घंटे तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित कर दुकान पर संदेह व्यक्त किया, जिससे पुलिस ने लड़की को दुकान से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले का मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। ये कौन है, कहाँ है सियाराम? कैसी दुकान थी इनकी? क्या करने गए थे आप उधर? कितना देर तक आपके साथ गलत काम किया? कितना घंटा? फिर क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो उसको? क्या हो? क्या है? थाना खुराड़े में एक नाबालिग लड़की साथ बलात्कार की सूचना आई थी, अभियोग दर्ज कर लिया गया है और उसमें अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। लड़की बालिग है नाबालिग कुछ अभी जानते हैं? ये मेडिकल रिपोर्ट आ गया उसके बाद लड़की को कहना, उनका कहना है कि नाबालिग है, मेडिकल रिपोर्ट आ गया उसके आधार पर। मामले में यह है कि जैसे लड़की को दुकान में कैद करके कई घंटों तक बंद भी किया गया था, तो इस बारे में कोई जानकारी? जांच का विषय है, अब इसमें जांच के आने के बाद से लड़की को मेडिकल भेजा गया। हाँ, मेडिकल। थैंक यू सर।